वेलकम टू कला ज्ञान। भारत और विदेश से संबंधित करंट अफेयर्स के सवाल और जवाब, हिंदी में प्रकाशित किए गए सभी करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी आने वाली एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे क्लर्क, पीओ परीक्षाओं के लिए सहायक होगी। करंट अफेयर के बारे में यदि आपका जवाब है तो कृपया कमेंट के जरिए हम तक पहुँचाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, हाल में ही जारी की गई आर्थिक स्वतंत्रता रैंकिंग में भारत 17 स्थान बढ़कर कौन से स्थान पर पहुँच गया है? इसका सही जवाब है सी 79। हाल में ही कारोबारी सुगमता रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद भारत आर्थिक स्वतंत्रता रैंकिंग में 17 स्थान बढ़कर 79वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत पहले 96 स्थान पर था। यह रिपोर्ट कनाडा के थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट और भारत थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी ने मिलकर जारी की है। अगला प्रश्न, डिज्नी के सीईओ बॉब आइगर ने किस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका सही जवाब है डी एप्पल। अमेरिका की एनिमेशन कंपनी डिज्नी के सीईओ बॉब आइगर ने हाल में ही टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है। वे वर्ष 2011 में एप्पल के बोर्ड में शामिल हुए थे और कॉरपोरेट गवर्नेंस कमेटी के प्रमुख थे, साथ ही कंपनी के कंपोजिट बोर्ड में भी थे। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने घोषणा की है कि सरकार अटके हुए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए का योगदान देगी? इसका सही जवाब है सी निर्मला सीतारमण। भारत के वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि सरकार अटके हुए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए का योगदान देगी। साथ ही अटके हुए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए अन्य निवेशक, कुछ अन्य संस्थान, बैंक और मिलकर इतनी ही रकम निवेशक करेंगे। अगला प्रश्न, भारत की किस पॉलिटिकल पार्टी ने संजय जायसवाल को बिहार और सतीश पूनिया को राजस्थान में नए प्रदेश अध्यक्षों के तौर पर नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है डी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने हाल में ही संजय जायसवाल को बिहार और सतीश पूनिया को राजस्थान में नए प्रदेश अध्यक्षों के तौर पर नियुक्त किया है। राजस्थान में मदन लाल सैनी के निधन के बाद खाली पड़े पद पर भाजपा ने सतीश पूनिया को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 दशक में देश की टॉप 10 भाषाओं में किस भाषा को बोलने वाले लोगों में बढ़ोतरी हुई है? इसका सही जवाब है सी हिंदी। हाल में ही जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 दशक में देश की टॉप 10 भाषाओं में हिंदी भाषा को बोलने वाले लोगों में बढ़ोतरी हुई है, जबकि इंटरनेट पर भी हिंदी का विस्तार हो रहा है। 10 वर्षों में हिंदी भाषा 10 करोड़ बढ़ गए हैं, साथ ही अन्य 9 भाषाएं बोलने वालों की संख्या घटी है। अगला प्रश्न, भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को सोनीपत के राय में हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का पहला चांसलर नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है बी कपिल देव। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और महान गेंदबाज कपिल देव को हरियाणा के सोनीपत के राय में हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का पहला चांसलर नियुक्त किया है। सोनीपत के राय में मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स कैंपस में ही इस खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी के 2 संयंत्रों पर ड्रोन अटैक होने पर भयंकर आग लग गई? इसका सही जवाब है डी सऊदी अरब। सऊदी अरब में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी के सऊदी अरामको के 2 संयंत्रों पर ड्रोन अटैक होने पर भयंकर आग लग गई है। सऊदी अरामको के दोनों तेल संयंत्र अब बैक और खुरेज स्थित है। अगला प्रश्न, यूएन ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत गुहा को किस देश में यूएन मिशन प्रमुख नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है सी यमन। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत गुहा को हाल में ही यमन में यूएन मिशन का प्रमुख नियुक्त किया है। पिछले कुछ वर्षों से यमन में गृह युद्ध के हालात चल रहे हैं, जिसकी वजह से हजारों लोगों की जान चली गई है।
अगला प्रश्न, हाल में ही भारत यूरोपीय देशों सहित 100 से अधिक देशों में बुलेट प्रूफ जैकेट निर्यात करने वाला कौन सा देश बन गया है? इसका सही जवाब है डी, चौथा। भारत हाल में ही यूरोपीय देशों सहित 100 से अधिक देशों में बुलेट प्रूफ जैकेट निर्यात करने वाला चौथा देश बन गया है। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के बाद भारत चौथा देश है जिसने बुलेट प्रूफ जैकेट पर अपना राष्ट्रीय मानक रखा है और यह मानक 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न, रानी रामपाल को किस देश के दौरे पर भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है सी, इंग्लैंड। भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को इंग्लैंड दौरे पर भारतीय महिला टीम की कप्तान नियुक्त किया गया है। 27 सितंबर से मार्लो में शुरू हो रही 5 मैचों की श्रृंखला में भारतीय हॉकी टीम इंग्लैंड से भिड़ेगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके कोई सवाल या जवाब हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का पता लगा पाएं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है कला गैन 29। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।